बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। आपको पता है लाइफ कितनी बिजी हो जाती है, जॉब के साथ फिर घर, और आजकल वैसे इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो इस वजह से जो है वो बहुत ही गर्मी हो रही है। और ये जी, मैंने ब्लैक फ्राइडे की सेल लगी थी तो मैंने लिया है डायसन, और ये वाला जो है ये सैमरीन 15 है, जो अभी नया आया है वो वाला लिया है मैंने। तो ये सेल पे आया था डिस्काउंट पे, तो फिर मैंने ले लिया। तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, ठीक है, और आपको जो है वो मैं दिखाती हूँ कि किस तरह का है ये। पहले जो था मेरे पास स्टिक वैक्यूम, वो डायसन वालों का ही था, जिसको मैंने 7-8 साल चलाया है सही, और उसकी बैटरीज ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि ओबियसली बैटरी की लाइफ इतनी लंबी नहीं होती है। तो वो मैंने 2-3 दफ़ा चेंज कर ली थी, लेकिन ओवरऑल मैंने उसको सही, मतलब पैसे पूरे किए उसके। और अभी उसकी जो हो गई थी बस, और फिर अभी जो नया मैंने लिया है ये भी स्टिक ही है, डायसन का ही लिया है नया जो है स्टिक वैक्यूम जो होता है, जो चार कोड के साथ नहीं है, ये कोडलेस है, मतलब चार्ज करो उसके बाद फिर आप इसको यूज़ कर लो, तो वो इजी होता है, मतलब ये नहीं होता कि आप वायर इधर लगाओ उधर लगाओ, तो ये बड़ा अच्छा रहता है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आपको में से किसी ने लेना हो तो अभी बॉक्सिंग डे पे दोबारा सेल लगेगी, तो फिर आप चेक कर लीजिएगा अगर किसी ने ख़रीदना हो तो, ठीक है। तो चलें इसको ओपन करते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ तफसील से कि इसके अंदर मतलब है क्या क्या। ओके जी, हादी जो हैं वो मेरी हेल्प कर रहे हैं इसको ओपन करने के लिए। तो ये भी स्कूल से आए हैं, स्कूल का लास्ट वीक है, अब छुट्टियां हो जाएंगी इनको तकरीबन जनवरी तक, ये वाला पूरा महीना और अगला भी पूरा महीना, जनवरी के एंड पे ये लोग जाएंगे फिर स्कूल। तो अभी मैं इनको स्कूल से लेके आई हूँ, बहुत गर्मी है बाहर आजकल, तो ये जी आ गया है डायसन का। तो ये मैं बच्चों को लगाती होती हूँ इस तरह के छोटे छोटे काम करने के लिए, ताकि बच्चों को भी कोई काम शाम करने आए। बेटा जो है ना लाइफ, उसको उल्टा पकड़ो, दूसरी तरफ पकड़ो, इस तरह मुंह पे लगने का होता है। हाँ, ये देखो इधर करो, यहाँ पे गैप है ना, तो गैप के बीच में से ऐसे निकालना है, ठीक है, उसमें से भी हो गए। चलो ये देखे, ओपन करो पूरा, बच्चे को खुश कर दो, उसने फाड़ी दी। चलो क्या हुआ, लगा लिया हाथ पे, इसीलिए जब भी देखो जब चीज ओपन करते हैं ना, इधर देखो नाइफ को ऐसे नहीं रखते, ऐसे रखते हैं। आज जो है वो मोप है, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे ज्यादा इसका हुआ कि मैंने यार ये मोप के साथ वाला लेना है, तो ये इसका मोप है, ठीक है, इस तरह से। और ये पूरा इस तरह से, ये देखें रोलर लगा हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा हैवी है इसका जो है ना, और यहाँ पे आप पानी डालते हो, ठीक है, ये सारा खुल के रिमूव हो जाता है, ये भी रिमूव हो जाता है यहाँ से खुल के, तो आप मतलब चेंज ये रोलर जो है इसको वॉश कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पानी डलता है तो वो फिर मोप जो है वो बड़ा अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो ये मोप है, मोप भी है इसके साथ, ठीक है, और ये जो है ये इसका चार्जिंग अटैचमेंट जो होती है, ठीक है, ये वो है, आप वॉल के साथ हैंग कर लो इसके अंदर चार्ज के लिए। और ये इसका एक ये है इस तरह से, ठीक है, पूरा का पूरा इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें जो हेयर हैं वो स्टक नहीं होंगे, ठीक है, हेयर को वो अलहदा से वो कर देगा, ठीक है, वरना होता है कि वो इसके अंदर रोल आउट हो जाते हैं हेयर। तो ये इसकी अटैचमेंट है एक, ठीक है, लाइक दिस, और इसको खोलूंगा भी, एक इसकी ये वाली अटैचमेंट है, ठीक है, इस तरह से, और इसके साथ ये मेरे ख्याल में इसके साथ लगने वाला है जो डंडा होता है इसके अंदर,
ठीक है। और ये है इसकी एक्चुअल जो है वो मोटर और सारा कुछ, ठीक है। आवाज़ अब साउंड फिल्टर इसका ऊपर है, ऊपर से पूरा जो है वो इलेक्ट्रिक डिस्प्ले देता है ये, ठीक है। फुली चार्ज बिफोर फर्स्ट यूज़ उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से है, ठीक है। और ये फिल्टर है इसका ऊपर, यहाँ से आप इसको खोल के तो आप क्लीन कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से ओपन हो जाता है, तो इट्स इजी टू क्लीन। पुराने वाले मेरे का थोड़ा मुश्किल था उसको क्लीन करना, वो बाहर से अंदर से निकाल के, तो ये वाला बहुत इजी है, ठीक है। और इस तरह से है, तो ये मेरे ख्याल में इसका जो है वो डंडा है जिसके साथ अटैच हो गया, तो फिर नीचे वो अटैच होगा। और ये जी है मेरे ख्याल में जो मोप जो है इसका, ये वाला, इसको इसके साथ ऐसे अटैच करके ऐसे आप रख दो इस तरह से, ठीक है। तो ये है जी डायसन का नया जो वैक्यूम आया है। ऑब्वियसली डायसन की चीज़ें बहुत अच्छी होती है, वैक्यूम का तो मुझे पता ही है, मैंने ऑलरेडी यूज़ किए हुए हैं तो बहुत अच्छा है। मुझे मोप का था, तो मोप जो है वो मैं यूज़ करके आपको दिखाऊंगी कि मोप का रिज़ल्ट जो कैसा है। और इसके साथ दो और अटैचमेंट्स हैं, ये वाली मतलब आप इसके साथ अटैच कर सकते हो। एक ये है इस तरह का ब्रश, कई नैरो स्पेसिस से आपको वो क्लीन करना हो। और एक ये है मतलब जो यूजुअली कर्टन्स के पास इस तरह से ना कॉर्नर वगैरह, तो आप इस तरह से वैक्यूम कर सकते हो। तो ये भी दो अटैचमेंट्स हैं इसके साथ, तो एक्स्ट्रा इस, तो ये इस तरह से, तो ये इसके साथ ये अच्छी चीज़ है, इन्होंने इस तरह से साथ दिया है, तो आप इसके साथ ऐसे रख सकते हो सफाई कर रहे हो तो ये वाली अटैचमेंट भी इसके साथ है। तो ये देखें यहाँ पे इसकी सारी सेटिंग आ रही होती है, आपने कौन सी सेटिंग पे करना, बटन प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। ये ऑटो है, ये बूस्ट है, बहुत ज़्यादा आपने स्पीड में चलाना है तो मैं बहरहाल इको पे करके चला रही हूँ ताकि बैटरी थोड़ा लंबा चले, ठीक है। तो बहुत अच्छा ये साफ है, और ये इसके फीचर में सारा गन जो है वो यहाँ पर आ रहा है। आपको लग रहा होगा कि मेरा फ्लोर जो है बहुत क्लीन है, क्लीन ही एक हफ्ता हो गया, ठीक है। तो अभी ये बैटिंग करने के बाद मैं आपको वो कभी कभी दिखाती हूँ सेटिंग। ओके जी, इसको ओपन करने के लिए इन्होंने एरो दिया है, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर पानी और आपने अपना क्लीनर डालना है, ठीक है। और इस तरह से क्लीनर डाल दिया, ठीक है। मैक्सिमम उन्होंने बोला इतना पानी डालना है, तो थोड़ा सा उप डाल देते हैं, दैट्स इट। ये इसकी कैप है जिसको आपने अच्छे से बंद करना है। एक्सेस वाटर जो है वो साफ कर लेना है, ठीक है। और अब इसको हम जो है वो इसके अंदर दोबारा अटैच करेंगे सेम। इस तरह से, और चले आप मोप लगा के देखते हैं। तो ये भी अगर आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं, पता नहीं इतनी वो लाइट पड़ के नज़र भी आ रहे थे, लेकिन मोप जो है वो लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे शायद आपको नज़र आए, इतना आसान है, मतलब इतना स्मूथली ये मोप लग रहा है,
आपको नजर आ रहा है ये डिफरेंस, इधर मोप लग गया इधर रह गया, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका मोप काम कर रहा है। तो सो फार आई लाइक इट। तो और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।